नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो गाइस, आप सब कैसे हो? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस, आज हम गए थे मार्केट में। तो भाई, मार्केट में बहुत सारी काइट हमने बाइक की, आप देख सकते हैं। बाइक से गए तो भैया इतनी मुश्किल आई, इतनी ठंडी में यार बहुत ठंड लगी। तो फॉग भी काफ़ी था आज। तो रास्ते में यार कुछ काइट जो ना फट गई है, आप देख सकते हैं। आधी काइट तो ऐसे फट गई और यहाँ पे इसे थोड़ा जोड़ तोड़ कर रहे हैं, जैसे भी इसे अच्छी तरह कर रहे हैं। फिर हम करेंगे इसके बाद काइट फ्लाइंग। तो गाइस, अगर हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ नीचे रेड बटन में सब्सक्राइब लिखा होगा, वहाँ पे आप क्लिक कीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो गाइस, करते हैं स्टार्ट हम इस वीडियो को। तो इससे पहले हम कर लेते हैं, इसमें डाल लेते हैं तलामा, इसे तलामा बोलते हैं। तो आप क्या बोलते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो गाइस, इसे करते हैं हम रेडी, पतंग को, अपनी काइट को करते हैं रेडी। तो इसके बाद हम फ्लाइंग करेंगे। तो भाई, आज तो टाइम पास के लिए ये हमारे पास जो कि 12 तार का चक्री है, उससे यूज़ करेंगे। है तो वैसे किसी काम की नहीं, तो चलो यूज़ करते हैं उससे आज। तो आप देखना वीडियो लास्ट तक, बहुत आपको मज़ा आने वाला है, क्योंकि बहुत ही अच्छी वीडियो लास्ट में छोटू कमाल करने वाले हैं भैया, मकोटा लगाकर। अरे क्या क्या बात। तो करते हैं स्टार्ट अब काइट फ्लाइंग। तो गाइस, आप देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगर हम जब भी अपनी वीडियो अपलोड करेंगे तो आप तक पहुंच जाएगी, पहले ही पहुंच जाएगी। तो गाइस, लिखा होगा सब्सक्राइब बटन, सब्सक्राइब लिखा होगा नीचे रेड में, उसे क्लिक कीजिए और साथ में एक बगल में आ जाएगी बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। इस तरह के नोटिफिकेशन मिल जाया करेगी आपको, तब हम न्यू वीडियो डाले करेंगे। तो गाइस, एंड में मज़ा आपको आने वाला भैया। क्या आप कहोगे कि यार क्या क्या काइट फ्लाइंग की? तो एंड में छोटू भैया ना एंड करवा देते हैं, बहुत ही बढ़िया काइट फ्लाइंग करते हैं कि आप देखते रह जाओगे। भैया, आपको आज एक बंदा दिखाएंगे जो मुखोटा लगा कर ना काइट फ्लाइंग करता है, वो भी छोटू है। तो गाइस, वीडियो को लास्ट तक देख लेना और ऐसे ही तुम काइट, ये एक तो तुम देख ही रहे हो वाइट मुखोटा लगा कर जो घूम रहा है, क्योंकि बहुत ही बड़ी गेम जैसा है। पूरे मोहल्ले वाले ना काइट फ्लाइंग करने से डरते हैं, ये बंदे ना आ जाएंगे। इसी तरह देखते रहिए। तो काइट फ्लाइंग हम कर रहे हैं, तो आज देखते हैं यहाँ कोई काइट फ्लाइंग करता है कि नहीं। अरे इनका पूरा दबदबा है छोटू गैंग का, किसी की अगर इसकी काइट कट भी जाए ना, ये उतर कर फिर भी उसे उठा कर फिर लेके आ जाते हैं भैया, ऐसी गैंग है ये। तब तो इससे कोई पेचा बोलते हैं ना, वो लगाने से डरते हैं भाई, इनकी काइट काटने से डरते हैं भैया, क्योंकि ये अगर इसकी कट भी जाए तो फिर भी उठा के ले आते हैं, उसे फिर यूज़ कर लेते हैं। गाइस, वीडियो को देखते रहिए, आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो ये छोटू भी, तो आज मैं खुद काइट फ्लाइंग कर रहा हूँ, कैसा भैया लग रहा है? तो काफ़ी मज़ा आ रहा था हमें तो, क्योंकि हम ज़्यादा दिन काइट फ्लाइंग करते यही करते थे। तो आज इसमें हम भी घुस गए इन लोगों में, छोटू गैंग में, तो हमने भी सोचा चलो काइट फ्लाइंग कर लेते हैं, थोड़ा मूड अच्छा हो जाएगा। भैया, मोहल्ले वाले बच्चों ने उधर काइट फ्लाइंग की तो है, वो बहुत दूर है, उनसे देखेंगे काटने की सोच रहे हैं उनकी काइट, अगर कट जाए इस 12 तार चक्री से, ये है तो किसी काम की नहीं भैया, ये मत खरीदना यार, बार बार काइट कटवाओगे। तो गाइस, ये हो चुकी है बिल्कुल डैमेज। तो अगली जो कि नेक्स्ट काइट है उसे करते हैं रेडी, क्योंकि पिछली जो काइट थी वो थोड़ा ना फट चुकी थी, तो उसे रिपेयर करने के लिए
रिपेयर करने के लिए दूसरे बच्चों को दिया, वो लगा रहे हैं उस पर टेप वगैरह जो भी लगाते हैं हम, तो इसे करते हैं रेडी। तो आप इसे भी देख लीजिए भाई कैसे रेडी करते हैं, आपको अच्छे से पता चल जाएगा, क्योंकि पहले पतंग को रेडी करते हैं बाद में उसे फ्लाइंग करते हैं। तो आप अच्छे से माचिस ले लें और ऐसे ऐसे करके आप यहाँ पे शेक कर लें, क्योंकि अगर आप किसी और चीज़ से करोगे तो वो ज़्यादा फटने का चांसेस होते हैं काइट के। तो आप माचिस ले लें, उसे उसके साथ बहुत ही अच्छे यहाँ पे शेक हो जाते हैं। तो ऐसे ऐसे करके आपने यहाँ पे डाल देना है थ्रेड और अपनी डोर डाल देनी है, जैसे भी करके ऐसे तैसे जैसे भी आप करते हो भैया ऐसे तैसे तो करते हैं फ्लाइंग। तो भैया इस ये कोई काइट फ्लाइंग कर रहे हैं, इसमें बहुत ही मज़ा आने वाला है, लास्ट में इंटरेस्टेड मज़ा जो आप देखेंगे यार कमाल है, क्या बात है। तो भैया काइट चढ़ा रहे हैं, काइट फ्लाइंग से पता चलेगा, लेकिन भैया उसकी काटनी है आज यार, लेकिन तो भैया आज कल जिसने आपकी काटी है भाई, तो काइट फ्लाइंग करना बहुत कौन सी डोल से तो मजा काइट फ्लाइंग करे भाई, ये खटारा कौन सी ले आया आप करते हैं ना संडे को, 12 तार है ये, इससे किसकी काटोगे बताओ मुझे, हवा बिल्कुल भी नहीं है, ये तो बेकार है, हवा नहीं चल रही, तो ट्राई कर रहे हैं शायद अच्छे से उड़ जाए, तो बिल्कुल भी हवा नहीं है बिल्कुल भी, इससे भाई मेरे को नहीं लगता तुम किसी की काट पाओगे पहले। तो भैया ये ना बहुत ही तेज काटर फ्लाइंग है, इनके पास बहुत बड़ी बड़ी डोर है, तो कुछ बाय करने वाले हैं तो कुछ इनके पास पड़ी है, तो आज ये बोल रहे हैं कोई उड़ाएगा नहीं, इसलिए हम इससे काम चला लेते हैं। ये एक नमूना आ गया, ठीक है आइटो लाइन कर रहा है, तो उसे टांका वांका लगा कर अच्छे से कर दिया, काइट की फट गई थी। एक तो फॉग बहुत है यार, धुंध बहुत है, तो उससे ना काइट ख़राब होने के चांसेस होते हैं, जो कागज़ की नहीं होती काइट, उससे ख़राब होने का खतरा लगा रहता है, क्योंकि फॉग में अगर पानी सा होता है जो गिरता है इसके ऊपर, तो बिल्कुल कागज ना एकदम खराब सा हो जाता है। तो बच्चा बाल्टी इधर, फॉग में उड़ा रहे इधर, ये क्या लगा कर काइट फ्लाइंग कर रहे हो, अच्छी रहेगा आपकी, बहुत बढ़िया लग रहे हैं भैया। तो गाइस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अगर आप कभी कभी आप लाइक नहीं करते तो भाई लाइक का कोई पैसा नहीं लगता, कोई कुछ नहीं लगता, और जो नीचे रेड अक्षर में लिखा हुआ सब्सक्राइब, वहाँ पे आप जरूर सब्सक्राइब करें चैनल को, इस तरह हमारे चैनल में आप जुड़े रहेंगे, और साथ में जो बगल में एल बेल आइकन होती है उसे भी प्रेस कर देंगे, तो उसके साथ क्या होता है कि आप हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे काइट फ्लाइंग की, तो वो आप तक अपने आप पहुंच जाएगी, आपको एक मैसेज मिल जाएगा, तो वहाँ पे आप क्लिक करके उसे देख सकते हैं आसानी से, तो इससे फ़ायदा होता है बेल आइकन का जो आप प्रेस करते हो, तो मज़ा ही आने वाला है भैया, मज़ा ही कहता है। ये मखोटे वाला आ गया भैया, ये बहुत एंड करवाते हैं भैया, जब भी मैं मोहल्ले में देखता हूँ यही काइट फ्लाइंग कर रहा होता, चाहे संडे हो चाहे मंडे, भैया पता नहीं स्कूल जाता है कि नहीं जाता है, इतना मज़ा इसे आता है ना काइट उड़ाने, ये बंदा देख रहे हैं ना, ये मोटा पहन रखा है जिसने, ये बंदा सारा दिन काइट फ्लाइंग करता रहता है, लेकिन बहुत अच्छी काइट फ्लाइंग करता है भैया, काट भी देता है, इसके पास बहुत अच्छी डोर है, वो अभी ये लेकर नहीं आया यहाँ पे, तो मैंने सोचा चलो ये इससे ही काम चलाओ आज, तो बाद में ले आना। तो भैया ये काइट फ्लाइंग हो चुकी है, तो हम किसी की उड़ाने की सोच रहे कि भैया किसी की काटें, लेकिन इतनी गैंग यहाँ पे आ चुकी है कि कोई उड़ाने का किसी का मन नहीं कर रहा भैया, कोई तो उड़ा नहीं रहे, तो अच्छी बात है कि हम काइट फ्लाइंग कर रहे हैं। तो गाइस आप भी काइट फ्लाइंग करते हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि हम काइट फ्लाइंग करते हैं, कितनी काटते हो, कितनी नहीं काटते भैया, कौन सी डोर यूज करते हो, तो ज़रूर बताएं भैया। अगर आपने अच्छी सी
हमने जहाँ पे बाय की है काइट्स, अगर वहाँ करनी है तो बहुत चीप प्राइस मिलता है, वहाँ बहुत कम प्राइस होता है काइट का, तो वहाँ आप खरीद सकते हैं। तो वो भी वीडियो हमारे चैनल पे मैंने अपलोड की है, जहाँ से बहुत बड़ी शॉप है भैया, वहाँ से आप बाय कर सकते हैं काइट, काइट एम आर एन आर जो डोर जो भी होती है बारह तार, जैसी जैसी डोर आती है वहाँ आपको सब डोर मिल जाती है, क्योंकि बहुत बड़ी दुकान है तो भैया डोर तो मिलेगी वहाँ पे, काइट भी मिलेगी आपको अच्छी अच्छी सी, बड़ी बड़ी से छोटी, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी। तो भैया वेलेज में जो मजा आता है ना काइट उड़ाने का, वो सिटीजन में नहीं आता भैया, वेलेज में खुले से उड़ाओ जैसे मर्जी, बहुत मजा आता है भैया, दूर दूर से कर ऐसे ऐसे होते भैया, दूर दूर से जब किसी की काटते हैं तो बहुत मज़ा आता है भैया, बहुत मज़ा आता है। ये बंदा देख रहे हो आप, ये बहुत ख़तरनाक है भैया, पूरे गैंग में पूरा ख़तरनाक है, जैसे कि बोलते नहीं हम, ये सब का बॉस है जो काट उड़ाते हैं। तो एक लाइक ज़रूर ठोकें यार, आपके लाइक का इंतज़ार रहता है, क्योंकि और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें यार, नीचे लिखा होगा सब्सक्राइब जो कि रेड रेड कलर में लिखा होगा सब्सक्राइब, उसे ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि अगर आप उसे प्रेस करेंगे तो आपको इस तरह की वीडियो आती रहेगी आपके पास अपने आप, और बेल आइकन को प्रेस भी कर देंगे, क्योंकि उससे ना आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा हर वीडियो का अपलोड किए हम करेंगे तो उसका वीडियो आपको मिलता रहेगा, तो आपको हर तरह की डोप की नॉलेज भी मिलती रहेगी बहुत ही बढ़िया से, आपको हर तरह की डोप के बारे में बताया जाए, कौन सी अच्छी है कौन सी बढ़िया है आपके लिए, तो कौन सी आप यूज़ करें, तो भैया वो आपको सब बताया जाएगा इस वीडियो में, आगे जो वीडियो अपलोड करते हैं हम उसमें। तो भैया ये बहुत ख़तरनाक है भाई, सबसे आगे रहता है यार ये बंदा ना, ये थोड़ी फट चुकी है, दूसरी बार फट चुकी है यार, जब ऐसे फॉग पड़ता है ना यार, तो ये कागज़ की काइट तो मत फ्लाइंग किया करो, क्योंकि यार ये कभी फट सकती है, कभी भी फट सकती है, तो इसे हम बहुत कम उड़ाया था, फिर भी ये ना देखो आपके सामने कोई मज़ा नहीं आ रहा है कागज़ की काइट फ्लाइंग करने, तो अगर धूप हो तो फिर ही अच्छी है ये काइट फ्लाइंग करने, थोड़ी थोड़ी हवा हो ना फिर मज़ा आता था ये काइट फ्लाइंग करने। बच्चा बहुत शैतान बच्चा है, पूरे मोहल्ले की काइट जब भी कोई फ्लाइंग करता है ये ऊपर छत में होता है भैया, अगर एक भी जिस जाए ना इसे फ्लाइंग कर रहा है भैया ये छत में होगा भैया, कैसे ना कैसे जुगाड़ लगा कर ऊपर काइट फ्लाइंग करने की सोच रहा होगा, तो किसी तरह काइट वाले के पास पहुंचा जाए और काइट काटी जाए। तो आशा करता हूँ वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा होगा प्लीज़ लाइक और